आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी एवं उपस्थित महानुभावगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक के समक्ष आज इस ऐतिहासिक सभागार में अपने अनुभवों को साझा करने का यह स्वर्णिम अवसर प्राप्त होना मेरे लिए अत्यंत ही गौरव व सम्मान का क्षण है। महोदय, मैं रेशम द्विवेदी प्रयागराज के एक छोटे से गांव गहरपुर से संबंध रखती हूँ, जहाँ आज भी महिला साक्षरता दर एवं प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता एक चिंता का विषय है। इसके बावजूद मैं आभारी हूँ सरकारी नीतियों की, जिसने मुझे भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान से विदेश तक पहुँचने वाली अपने गांव की प्रथम महिला अभियंत्रिक बनाया और अपने क्षेत्र की प्रथम लोक सेवक बनाकर राष्ट्रपति भवन के इस दरबार हॉल तक पहुँचाया है। महोदय, मैं आभारी हूँ अपने माता पिता की, जिन्होंने बिना भेदभाव मुझे पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाया और स्त्री वर्ग को आने वाली विभिन्न चुनौतियों का निडरता से सामना करना सिखाया। इन उपलब्धियों के उपरांत भी पुरुष प्रधान परिवेश ने कई बार मेरी योग्यता की अग्नि परीक्षा भी ली और कुछ सामाजिक गलत धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों के कारण मुझे यह भी जता दिया गया कि यदि मैं लड़का होती या मेरे गांव से किसी लड़के का चयन हुआ होता तो बात ही कुछ और थी। परंतु महोदय, मुझे गर्व है कि मैं देश के ऐसे आधे हिस्से का आज यहाँ प्रतिनिधित्व कर सभी के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी ने हम सभी को एक प्रोत्साही प्रशिक्षु से एक संवेदनशील राजस्व अधिकारी के रूप में तराशा है। अकादमी ने हमें सैद्धांतिक विषयों में निपुण बनाने के साथ नीतिगत परिवर्तनों व नवाचार के बीच कार्य क्षेत्र में सामंजस्य बनाए रखना भी सिखाया। महोदय, मैं राष्ट्र को विश्वास दिलाती हूँ कि हम सभी तकनीकी रूप से दक्ष, ईमानदार, पारदर्शी एवं सत्यनिष्ठ सेवा प्रदाता बनेंगे एवं करदाताओं के लिए देश सेवार्थ कर संचय के अपने संकल्प का गहनता से निर्वहन करते हुए भारत की मेरुदंड रूपी अर्थव्यवस्था को वैश्विक उच्चतम श्रेणी तक ले जाएंगे। महोदय, राष्ट्र निर्माण के अपने कर्तव्यों के तहत मैं आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से सशक्त भारत के अपने दृष्टिकोण के साथ समावेशी वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत भी रहूँगी। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अपने सह प्रशिक्षु अधिकारी विनय नायक को मंच पर आमंत्रित करूंगी। ऑनरेबल प्रेजेंट सर, रेस्पेक्टेड सीनियर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई विनय नायक एम एवर सो ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय लाइफ जर्नी इन बिकमिंग एन IRS ऑफिसर एट दिस ऑगस्ट गैदरिंग। आई वाज बोर्न into a middle class family in Bangalore, where my parents instilled the values of hard work and perseverance in me. I was fortunate to get the best of education and completed my engineering and MBA, after which I started my professional career as an investment banker at Goldman Sachs and moved to the United States of America in 2011. My life abroad, while being complete with all worldly amenities, had a large void. It lacked the simple satisfaction of creating a positive impact on the society and my country, which had given me everything and made me who I was. I quit my job in 2013 with the aim of joining the civil services, which has been at the core of nation building and is the backbone of administration and governance. 2 years into the service, I believe that I'm on the right path. 16 months of training with the perfect mix of theoretical and practical modules introduced me to the world of indirect taxation. Since being posted in the field on May 1st, 2019, I've had a varied set of experiences which I'd like to share. In line with the dream of our Honorable Prime Minister towards the goal of creating a digital India, I took a small initiative of my own. I created an automated revenue analysis framework that gave a single window system showing a snapshot of tax collection data at unit level.
I was also part of multiple trade facilitation measures undertaken in our commissionerate, like the special refund drive, the Sabka Vishwas scheme, GST outreach programs. I was able to bring a small but meaningful change through these initiatives, as they've helped in easing tax compliance for the businesses, especially the small and medium units that generate employment in huge numbers, eventually uplifting the standards of living in our society. My most joyful moment was when a 60-year-old taxpayer, who is a cocoa bean supplier to the chocolate industry, thanked me profusely with tears of gratitude in his eyes. Our investigation had helped crack a racket run by a tax consultant who's duping this taxpayer, providing four challans for his tax payments. This investigation received wide coverage in print media, alerting honest taxpayers against fraudsters. Sir, I would like to conclude with a quote from John F. Kennedy, who said, "Ask not what your country has done for you, ask what you can do for your country." I believe that with this quote in our hearts, every action of ours will be a step towards building a strong nation. Thank you, Jai Hind. Now I request Officer Trainee Michelle Queenie DeCosta to share her experience.